So hello friends and welcome back to our YouTube channel Physical Education Educator यानी कि PE Educator में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है यश पावंडिया और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों। जैसा कि आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है, मेरे PDF में चैप्टर नंबर 2 लिखा है, कोई बात नहीं। इन्होंने इंटरमिक्स कर दिया था ओलंपिक चैप्टर को और इस चैप्टर को। ओके चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं फाइव लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा, यानी कि 5 वीडियो आएंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। पहले वीडियो में हम करेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, यानी कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ओके सेकेंड में हम लोग करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, थर्ड में कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलनेस, फोर्थ में प्रिवेंटिंग हेल्थ एंड ट्रेंड्स थ्रू द लाइफस्टाइल चेंजेस, फिफ्थ में कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। यानी कि पहले में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बाद में एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को समझेंगे और लास्ट में लाइफस्टाइल को 2 वीडियो में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ गए, काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ा साइंस आएगा बीच में और मैं हूँ थोड़ा क्या बात की, ठीक है दोस्तों। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सपोर्ट का। चलिए वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक विथ न्यू चैप्टर। ओके मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटिग। फैटिग इस वर्ड का मतलब आप सभी को पता ही होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ वापस, ठीक है। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ फिर आपको पूरा मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटिग, टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी इमरजेंसी, ठीक है। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल फिटनेस ये डिफाइन करती है कि कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक अकेले बंदे की जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो अपने डे टू डे लाइफ में करता है उस चीज़ को बिना फैटिक के। फैटिक मतलब होता है थक गया भाई, बहुत दौड़ा है तूने यार, पागल हो गया, इतना दौड़ा था क्यों है, ये होता है इसने बियॉन्ड कर लिया, इसने क्रॉस कर लिया लाइन को जिससे ज़्यादा ये नहीं कर पाता था। तो हमको उतनी करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, उतना ही करो जितना कि आपकी कैपेसिटी है। ये फैटिक का आए ना, ठीक है, उससे ज़्यादा कर ले तो इसको सांस ऊपर नीचे, भाई पानी ला गला सूख रहा है बहुत तेज, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल फिटनेस वही कहा जाता है। तो अगर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में करते रहोगे ना, आपका वो जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा और आपके फैटिक भी डे बाय डे स्लो होता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एन इमरजेंसी, ताकि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप जब कुछ अपना अपनी कैपेसिटी तक कुछ काम करो और आपको फैटिक भी नहीं हो, फिर आप किसी इमरजेंसी में, आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उसमें भी आपके पास कुछ इतनी एनर्जी रहे कि आप उससे उस इमरजेंसी से फाइट कर पाए। ओके ये है मीनिंग फिजिकल फिटनेस का। ये मैं वापस बता देता हूँ, फिजिकल फिटनेस वो फिटनेस ऐसे डिफाइन किया जाती है कैपेसिटी, कोई भी कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की जो डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन वर्क में करता है, ठीक है, विदाउट फैटिक, फैटिक यानी सांस ऊपर नीचे होने के बिना, ठीक है, और पार्टिसिपेट करता है ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में और फिर भी उसके पास इतनी एनर्जी रहनी चाहिए कि वो इमरजेंसी के वक्त उस एनर्जी को यूज़ कर पाए अपने लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस। नाउ नेक्स्ट इज आवर टॉपिक मीनिंग ऑफ वेलनेस। ओके फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का हमने मतलब जान लिया अभी, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हमारे सेकेंड वीडियो में। ओके अभी हम जानते हैं मीनिंग ऑफ वेलनेस, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी हम पूरा चैप्टर का, ठीक है। वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ बींग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज। वेल, गेट वेल सून। ओके वेल का मतलब आप सभी को पता होगा, कुआ नहीं, ठीक है। वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ बींग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज, हम लोग को हमें स्वस्थ रहना चाहिए और कोई भी रोग यानी कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, वेलनेस ये बोलते हैं, ठीक है। वेलनेस इज कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच वन कैन लीड अ वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल लाइफ। वेलनेस बोलता है एक बंदे की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ बैलेंस्ड और नेचुरल लाइफ, हमको वो खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे पेट की कैपेसिटी है। ज़्यादा खाओगे तो आपको वॉमिटिंग, लूज मोशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है, और ये वेलनेस नहीं होंगे, आप क्योर नहीं होंगे, ठीक है, आपको कोई बीमारी होगी, ठीक है। तो आपको वेल रहने के लिए अब एक बंदे की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको अपना बॉडी को एकदम बैलेंस रखना चाहिए एंड नेचुरल लाइफ रखनी चाहिए, ठीक है, कोई भी केमिकल्स यूज़ करके वो सब खाना नहीं चाहिए, एकदम नेचुरल रहो, ठीक है। तो हमने मीनिंग ऑफ वेलनेस भी कंप्लीट कर लिया, नाउ मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल, इन सबको हम अगले वीडियोस में कवर करते रहेंगे ब्रीफ में, ठीक है। अभी सिर्फ
इंट्रोडक्शन. वाओ क्या फोटो है. ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल, सॉरी, लाइफ स्टाइल इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स दैट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. लाइफ स्टाइल एक वो वे होता है लाइफ का, या तो स्टाइल होता है जो लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है, एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता है. आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी वो रिफ्लेक्ट करता है. आप कैसे, अगर आप सुट्टा उट्टा मारते हो, दारू वारू पीते हो, सॉरी दोस्तों, ये वैसे तो आप 11th में हो, ये सब वर्ड्स तो यार मेरे को अपने बच्चे तो होने के आपके सामने बोल रहा हूँ, ये आप सब अवेयर होंगे इस बारे में, लेकिन जो नहीं है प्लीज़ ज़्यादा डीप भी मत जाओ इस बारे में, कुछ गूगल वूगल सर्च मत करना इसके लिए. ठीक है, आप अगर वैसे वो सब काम करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी आ रही है यार कितना गंदा है, सोसाइटी में आपकी इंसल्ट होती है और आपके इंसल्ट के साथ आपकी फैमिली की इंसल्ट होती है. ठीक है, तो योर लाइफस्टाइल, द लाइफस्टाइल शोज योर पर्सनैलिटी एंड योर एटीट्यूड. ओके, तो यही बोल रहा है लाइफस्टाइल, कि लाइफस्टाइल इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. उस पर्सन की वैल्यूज अच्छा है बुरा है, मेरे को उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा काम आएगा कि नहीं काम आएगा मुसीबत में, ऐसे पैसे के लालच में मैं उसको कैंटीन में पार्टी दूंगा सिर्फ उसके लिए मेरा दोस्त बन रहा है, या जब मुसीबत होगी तो मेरे को बचाने भी आएगा, वो सब देखना पड़ता है. वो पर्सन की वैल्यूज उसके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट, लाइफस्टाइल इज अ टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर. ठीक है, लाइफस्टाइल जो एक टिपिकल वे होता है लाइफ का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का या कल्चर का. ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. ओके, ये भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. हमने डेफिनेशन देख ली सबकी, फिटनेस की देख ली, वेलनेस की देख ली, लाइफस्टाइल की देख ली, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस इनकी. अभी सिर्फ हम लोग फिजिकल फिटनेस की और वेलनेस की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं. ओके, या पॉइंट वन, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज नॉन स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है, ये जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस है ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हो. ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड पॉइंट, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिजीज. मेन पॉइंट ब्रो, मेन पॉइंट. ओके, एकदम अच्छा पॉइंट है यार. ठीक है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो है वो हमको हेल्प करता है, हमारी रिड्यूस करता है रिस्क को हार्ट अटैक से या तो लंग डिजीज से. ठीक है, हमको मतलब रिड्यूस करता है, हमको रिस्क तो है, मर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे मर, लेकिन एक चांस जो होता है वो कम कर देता है. ठीक है, आप बहुत ईजीली समझो इसको, योगा. योगा में बोलते हैं कि यार आपको कोई बीमारी नहीं होगी, अगर आप वो नाक बंद क्या बोलते हैं उसको, मेरे को अनुलोम विलोम कुछ ऐसा नाम है. ठीक है, वो उससे आप करोगे तो आपके जो गला है वो हमेशा साफ रहेगा, नाक कभी ख़राब नहीं होगी. इट्स ट्रू यार, ये सही बात है. ठीक है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से आपके रिड्यूस हो जाएंगे चांस ऑफ हार्ट अटैक या तो लंग्स की कोई डिजीज़. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, PF यानी कि फिजिकल फिटनेस ये. ठीक है, PF चेंजेस वंस लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजेस लाइफ स्पैन. वो लाइफस्टाइल चेंज कर देता है यार, रहन देन चेंज कर सकता है. अगर आप पहले मोटे थे, इधर से उधर जाने में भी मम्मी को बोलते, मम्मी पानी ला दो ना, मेरे से नहीं उठा जाएगा, अभी मैंने बहुत खा लिया. ठीक है, तो ये जो फिजिकल फिटनेस है ना, ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेगा. मम्मी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, आपका पैर भी दबा दूंगा मैं थोड़ा. ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, आप बस बैठ कर रेस्ट करो एकदम अच्छे से, सावधान इंडिया देखो. ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल. ओके, और इंक्रीजेस लाइफ स्पैन, आपकी जीने की उम्र भी बढ़ा देता है. अगर आप फिट हो गए, ऑफकोर्स कोई डिजीज नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा मतलब 100 साल तक, मैक्स टू मैक्स. ओके, लास्ट पॉइंट नहीं, अभी पता नहीं पिछले रेज में हुआ कि नहीं, रिसर्च स्टूडियो इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हुज एस्टैब्लिश फिजिकल एजुकेशन इज अर्ली लाइफ आर लाइकली टू रिमेन एक्टिव इन फ्यूचर. ये रिसर्च के थ्रू स्टडी किया गया है कि जिसका भी बचपन से फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो बहुत हेल्दी है, या तो एकदम अच्छे से खेलता कूदता इंसान है, वो फ्यूचर में हमेशा एक्टिव ही रहता है, कभी आलसी नहीं बनता. ठीक है, ये रिसर्च किया गया है, और अब ऑफकोर्स रिसर्च किया गया तो ट्रू ही होगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, PF यानी कि फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस टेंड टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टू वर्क. आपकी वर्क की क्वालिटी यार, आपको अगर आप फिजिकल फिटनेस करोगे, आपको अंदर से महसूस होगा वाह कितना तंदुरुस्त लग रहा हूँ मैं, एकदम मस्त फील होगा यार. और अगर आपको मस्त फील होगा, हर काम में आपका मन लगेगा. इफ यू आर फिट एंड हेल्दी, आपको हर काम में मजा आएगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई जॉब हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन कैन मैनेज स्ट्रेस इजीली एंड एफिशिएंटली. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
फिजिकल फिटनेस के थ्रू आप अपना स्ट्रेस को इजीली मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव पॉस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस। यार एकदम अच्छी बात, ये भी मोटे थे गेंडे की तरह, एकदम फिजिकल फिटनेस स्टार्ट किया, वेलनेस के बारे में कुछ पढ़ा, पतला होने की कोशिश की, जुम्बा किया, योगा किया, जिम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके कारण आपका पॉस्चर पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया थोड़ा, ठीक है, फिर धीरे धीरे एप्स बन गए भाई, ठीक है। तो आपके पर्सनल अपीयरेंस को एकदम चेंज कर देता है कौन? फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। वन मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं दोस्तों, ये प्लीज एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। हु इम्प्रूव्स द पॉस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ओके। एक ऑफ एक वर्ड होगा, या तो दोनों होंगे, ऐसा ऑप्शन होगा, देखो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, लाइफस्टाइल, बोथ ए एंड बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा ऑप्शन आए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो, नन ऑफ दीस बोथ ए एंड सी, तो आपको चूज करना है ये ऑप्शन, ओके, इजी। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन मसल्स विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। भाई यही तो मैंने समझाया, अभी जिम जाएंगे वो करेंगे, लड़की को पटाएंगे, लड़की को पटाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करने के लिए मसल्स बनाने पड़ेंगे, मसल्स बनाने के लिए एप्स, वो सब की जरूरत पड़ेगी यार। और ये सब करने से आपकी जो इंजरीज है उसको आप बचा सकते हो, अपना को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पावर होगी तो, मसल पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाईली मोटिवेटेड। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा यार, अरे वाह यार, जिंदगी में कोई गम नहीं, कोई खुशी, मतलब खुशी तो रहेगी, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, हम लाइफ एकदम इजीली जीनी है, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव हो जाओगे आप यार, कि नेगेटिव आपके थॉट्स ही नहीं आएंगे। इसके लिए कहते हैं पॉजिटिव, ये जो लाइफ स्टाइल होती है, सॉरी फिटनेस होती है, वेलनेस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यार आपकी लाइफ में, ठीक है। इसके लिए आपको पी में चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने फिटनेस और वेलनेस की इंपॉर्टेंस देख ली है, अब हम लाइफ स्टाइल की इंपॉर्टेंस देखते हैं, कुछ पॉजिटिव इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। इंक्रीज द लॉन्गेविटी, स्लोज डाउन एजिंग प्रोसेस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, ओके। मेरे को कोई पढ़ाने बताने की जरूरत नहीं इसमें। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपकी लेवल ऑफ एनर्जी को इंक्रीज कर देता है कौन? पर्सनल पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन कम कर देता है यार, जैसे कि आपके मार्क्स कम आए यार, मेरे तो मार्क्स कम आ गए, मैं कैसे पास करूँगा नीट JEE CA की एग्ज़ाम्स, कैसे पास करूँगा यार मैं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, घर वाले क्या हो रहा है। ये सब जो डिप्रेशन आ रहा है ना आपके अंदर, ये रिड्यूस कर देता है कौन? एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। ईजी था अभी तक। इंक्रीज द लेवल ऑफ PF यानी वापस फिजिकल फिटनेस को, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, इम्प्रूव पॉस्चर वॉइस, समझ गया डायग्राम के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में, कुछ करूँगा मैं जिंदगी में, तभी मैं आगे बढ़ूँगा, ये लड़का कुछ करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सबसे अच्छा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको मार्क करना, इसको याद रखना। लाइफस्टाइल जो होती है वो प्रिवेंट करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से, रिड्यूसेस एक्स्ट्रा बॉडी फैट, जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेटनेस ऑफ हार्ट, हार्ट को मजबूत बना देता है, मजबूत बना देता है, मतलब पत्थर का नहीं बना देता यार, मजबूत बना देता मतलब कैपेबल कर देता है उसको कुछ भी काम करने के लिए। हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस में आपकी मदद करेगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वाओ हमारा टॉपिक खत्म हो गया, इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारा, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है ये भी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस वेलनेस पढ़ा, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस पढ़ा, फिर मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल पढ़ा, मीनिंग ऑफ वेलनेस पढ़ा, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना एक पढ़ा हमने, मीनिंग पढ़े सबके, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया एक तरीके से हमने आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हम लोग अगला टॉपिक करेंगे दोस्तों। आज काफ़ी मजा आ रही है मेरे को पढ़ाने में, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही यार, ठीक है, चैप्टर 3 है ये, वापस आपको बता दूँ। और दोस्तों थैंक यू अगेन फॉर योर दिस मच सपोर्ट यार, इन वन मंथ्स अप्रॉक्स वन मंथ्स और मोर देन वन मंथ्स आपने इतना सपोर्ट किया यार, तो मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ कि बाद में जब मैं इतना वीडियो जरूर तो क्या सपोर्ट मिलेगा यार,
धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इस चैप्टर के वीडियोस अब जल्दी आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत देरी कर दी वीडियोस लाने में। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पढ़ेंगे, फिजिकल फिटनेस। तब तक गुड बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपका इधर ही आ जाता है, आप इधर क्लिक करके जा सकते हो, इधर सब्सक्राइब का बटन आ जाता है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको नहीं पता। ओके दोस्तों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।